अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो रोज़ स्टिचिंग करने से ज़रा बंदा तंग आ जाता है, तो मैंने कहा आज मैं आपको कुछ और नाश्ते की दिखाती हूँ। अच्छा, ये देसी घी और ये एग्स हैं और ब्रेड। आज मैं बच्चों को जो है वो इन चीज़ों से नाश्ता करवाने वाली हूँ। वैसे मेरी कोशिश होती है कि मैं इनके लिए पराठा बना दूँ या रोटी बना दूँ, लेकिन आज आटा गूंधा हुआ नहीं था, तो मैंने कहा सोचा कि चलिए मैं ब्रेड से ही इनको आज नाश्ता करवाती हूँ। अच्छा, ब्रेड मेरी कोशिश होती है कि मैं जो है वो देसी घी में इनको गर्म करके दूँ, साथ में दूध रखा हुआ था। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि ये कल मैंने बनाए थे कपकेक्स बनाए थे, और ये बनाए हैं मैंने बगैर ओवन के। तो जिनके पास ओवन नहीं है तो वो इसको आराम से घर में बना सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही स्पॉन्जी से बने हैं और बहुत ही अच्छे बने हैं। मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छा रिज़ल्ट आएगा इनका। और ये एक्चुअली केक की रेसिपी थी, लेकिन मैंने क्या किया, इनको मेरे पास ये अवेलेबल थे कप केक के पड़े हुए, तो मैंने इनको क्या किया कप केक्स में डाल दिए, क्योंकि बच्चों को देना बहुत ईजी होता है कि कप केक्स में आप आराम से इनको दे सकते हैं। अब ये देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे साइज़ के और बिल्कुल जैसे बाहर मार्केट से लेने जाते हैं उसी तरह के, और इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। काफ़ी सारे बन गए थे ये, तो आधे तो कल ही ख़त्म कर दिए थे इन लोगों ने, तो थोड़े से बच गए थे, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाऊं। एक्चुअली बनाते हुए मैं इनकी इसकी वीडियो नहीं बना सकी, तो कौन सा कुकिंग चैनल है मेरा मैम, तो मैंने लेकिन मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी कि नेक्स्ट टाइम मैंने कभी बनाए कि मैंने ये किस तरह से बनाए हैं, ताकि विदाउट ओवन जो है अगर किसी के पास ओवन नहीं है तो वो भी आराम से बना लें। मेरे पास ओवन जो है वो इलेक्ट्रिक था, लेकिन वो यूज़ मैं कम करती थी, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा इशू होता है, और दूसरा जो है जो गैस वाला है वो ओवन मेरे पास है नहीं। अच्छा, ये देखें, मैं थोड़ी देर के लिए किचन में मैं थोड़ी देर के लिए नमाज़ वगैरह पढ़ रही थी, तो बच्चों ने क्या किया कि किचन में किचन के नैपकिन्स होते हैं उनसे स्नो बनाई है ये मेरे बच्चों ने, और जब मैंने उनको डांटना शुरू किया तो सब के सब झाड़ू लेकर उसको साइड पे करना शुरू हो गए और एक दूसरे को ब्लेम करने लगे कि इसने किया था इसने किया था। बस अब थोड़ी देर के लिए बच्चों को आप छोड़ते हैं तो बच्चे क्या करते हैं ये हाल कर देते हैं, और ये इन्होंने स्नो बनाई, उसमें ट्रक बनाया। आज की बस इतनी ही शेयरिंग थी। अल्लाह हाफिज़।